माननीय मंगल सिंह जी चौहान, यशवंत सिंह जी चौहान, श्री मोहन सिंह जी पटेल, श्री प्रेम सिंह जी पटेल और सभी हमारे वरिष्ठ गण, आदरणीय अंकल जी जहां कहीं भी हो कृपया यहां आ जाए, स्वागत। उदय पटेल जी, नीलेश पटेल जी, हेमंत चौहान जी, अल्पेश चौहान जी, आप सब आए कृपया, और आदरणीय भाई साहब का, आदरणीय चाची जी का, आदरणीय बाबू जी को और महेश पटेल जी को आ जाने दे भैया। आदरणीय मोहन पटेल जी, काका जी, श्री महेंद्र सिंह रोकड़िया, श्री राजेश रोकड़िया, रमेश दामड़िया जी, राजकुमार दामड़िया जी, हेमंत चौहान, अल्पेश चौहान, चौहान सिंह जी बड़े, नीलेश पटेल, लगी हुई है, बैठो तो, कुर्सियां लगी हैं, स्वागत। इस मेला में सभी लोग कृपया क्रम से, और हमारे अमरदीप चौहान जी, मध्य प्रदेश के जननायक, हमारे बीच आप सबका आशीर्वाद लेने आज पधारे हैं, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि उन्हें ऐसा आशीर्वाद दें कि पुनः इस मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी को जिता कर लाए और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें, इसलिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत उपस्थित हुए हैं। आप सबके आशीर्वाद से वो इस क्षेत्र की लगातार 5 बार सांसद रहते हुए और 1 बार विधायक और 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे 10 बार आपने आशीर्वाद देके उनको जनप्रतिनिधि बनाया और अब 11वीं बार ऐसा इतिहास रचना कि पूरा मध्य प्रदेश गत विदिशा संसदीय क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई साहब श्री रमाकांत भार्गव जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, हर हर।
माननीय शिवराज भैया हमारे लिए जो आपके बीच में दिन रात आते रहते हैं युवा नेता श्री कार्तिकेय जी, उनका भी एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। बंधुओं, आज इस बक्तारा से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ माननीय शिवराज भैया कर रहे हैं। आज उन्होंने यहां भगवान श्री राम के मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और वहीं से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हुए इस कार्यक्रम में आए हैं। हमारे बीच में भैया आए हैं, एक बार उनका स्वागत करें और उनको नर्मदा मैया से प्रार्थना करें कि अभी तक जो नहीं हुआ है बुधनी विधानसभा में, बहुत सब होना चाहिए। एक बार उनका नर्मदा मैया की जय बोल के अभिवादन करें, नर्मदा मैया की। बंधुओं, आपने देखा होगा जब कांग्रेस की शासन 2003 से पूर्णिया हुआ करती थी तो बुंदी विधानसभा में क्या स्थिति थी। बुंदी विधानसभा में सड़कें थी नहीं और बिजली का भी कोई अता पता नहीं रहता था। हम 2 महीने मुश्किल से बक्तारा क्षेत्र के आसपास क्षेत्र में जा पाते थे कि वो नहर के कारण कच्ची सड़कें थी और हमारा आना जाना भी दूभर था, पैदल आने थे बक्तारा स्टैंड पर आने के लिए। आज माननीय शिवराज भैया ने चारों तरफ सड़कों का जाल बिठा लिया है और विद्युत की बात करें तो हर 8 किलोमीटर पर विद्युत के सब स्टेशन हैं, शानदार बिजली की व्यवस्था है, 10 घंटे किसानों को जो बिजली मिल रही है और गांव में 24 घंटे, कई गांव तो 4-4, 5-5 जगह से जुड़े हुए हैं, शानदार सड़कों का इंतजाम है। बंधुओं, आज हम सब हर्षोल्लास है। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। आज हम सब हर्षित हैं और उल्लासित हैं। हमारे बीच में हमारे भैया आए हैं, आप उनको आशीर्वाद दें कि भारी बहुमत से विजयी होकर बुधनी विधानसभा से विधानसभा में पहुंचे और 5वीं बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की आदरणीय शिवराज भैया शपथ में ताली बजाकर एक बार स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बंधुओं, आज हमारे बीच में सौभाग्य का दिन है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और आपके विधायक जो बुधनी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज वो बक्तारा से अपनी आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। और जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ इसलिए भी अच्छा हो रहा है
हम उन्हें जो पुदली विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं, पुदली विधानसभा की जनता उनको चुनाव लड़ा रही है और उस जनता के द्वारा यहां से लेकर भारत से भी आग्रह है कि वो भी इस सहयोग निधि को ग्रहण करें। आदरणीय भाभी जी भी आ जाए। वे हम सबको संबोधित करें। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी बोलिए। भारत माता की, नर्मदा मैया की, बख्तरा की धरती की, आई हुई जनता की, भांजे भांजियों की, आज फिर बख्तरा आया हूं। वही बख्तरा जहां छोटे छोटे आंदोलन करके मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी थी। इस अवसर पर मंचासीन हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, बख्तरा में बचपन से जिन सबका स्नेह प्रेम मिला, ऐसे हमारे सभी बुजुर्ग बात मंच पर भी और मंच के नीचे भी, मेरे वो साथी संगी जिनके साथ मैं पांव पांव चला और जिनके आशीर्वाद और स्नेह से मध्य प्रदेश में इतने सालों से मुख्यमंत्री बना रहा। अपना नाम इसलिए नहीं ले रहा कि सब मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, कौन का लूं और कौन का छोड़ दूं। ठीक बात है कि इसलिए बाबूजी सहित, पटेल साहब सहित, हमारे गोविंद भैया सहित सभी मेरे सभी हृदय में बसने वाले कार्यकर्ता साथीगण, मंजले भैया भी है, रामकिशन जी हमारे, रज्जू भैया भी आ गए, गुरु प्रसाद जी भी है, मंगल भैया भी है, अब मैं सभी ऐसे हैं जिन्हें बचपन से, हम तो जनता पार्टी के जमाने में 77 में ठक्का परेड जीप में मंगल भैया चलाते थे, साथी रहते थे हमारे, कई यादें यहाँ से जुड़ी है। ये मेरी जन्मभूमि है, ये पुण्य भूमि है, ये कर्म भूमि है और ये मातृभूमि है और इस समय परिवार के साथ, क्योंकि मेरा घर है, मैं अपनी धर्मपत्नी कार्तिक कुणाल और आप सब भी मेरा परिवार है। मैंने बार बार कहा मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। और एक एक चीज देख, एक बात बख्तरा की इस पवित्र धरती पर मुझे कहते हुए गर्व है, यहाँ के दुकानदार सब बैठे होंगे, एक समय जब मैं कुछ नहीं था तब दुकान हटाओ अभियान चला और तब हमने भर के सबको के चलो रे बुधनी घेरेंगे। बुधनी पहुंच नहीं पाए थे, उसके पहले ही एसडीओ यहाँ आ गए थे और कह भैया बताओ कहाँ कहाँ काट काट के दे दूंगा, तब से लड़ते चले आए। बचपन में जब से होश संभाला शायद मैं खेला कूदा भी नहीं कभी, इमरजेंसी में जेल चला गया और उसके बाद लगातार आपके साथ मिलकर संघर्ष करता रहा और बाद में आप सबने स्नेह प्रेम और आशीर्वाद दिया।
एक बात में कह रहा आज भाषण देने नहीं आया, आज तुम्हें ये कहने आया हूं कि मैं आज के बाद अब चुनाव के बाद आऊंगा अपना काम संभालो भैया तो वही सुधरा। लेकिन एक बात मैं कहूं कि अपने काम से मैंने आपका मान सम्मान और शान पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में बढ़ाई है, दुनिया में भी बढ़ाई। और ये कहते हुए मुझे गर्व, मैंने आपके नाम को डूबने नहीं दिया। आज अपना क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। शिवराज कहां से है, बट्टरा जैत सायगंज डोबी सियागंज जौनतला खितवाई मछवाई कोसमी नांदेड जौनतला, यही से हूं, इसी धरती में पैदा हुआ और इसी धरती माँ के आशीर्वाद के कारण आज इतने ऊपर पहुंच के काम कर रहा हूं। देखो कितनी जिंदगी बदली, कल्पना करके सोचो। ये मेरी बहनें बैठी हैं, राजनीति में कभी बहनों को कोई ने पूछा था क्या? कौन चिंता करता था महिलाओं की? मैं जैत में देखता था, देखो जितनी योजना मैंने बनाई है, यहाँ की गरीबी दर्द और तकलीफ देख के बनाई है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं देखता था कि बेटी की शादी बोझ मानते लोग और इसलिए कोशिश करते कि बेटी पैदा नहीं हो, बेटे ही पैदा हो। मुझे याद है जौनतला खड़ावड़ में पहले होते थे सामूहिक विवाह, एक विवाह में बोलने का मुझे मौका मिला तो मैंने कहा भाई बेटी भी आने दो, बेटी है तो कले है। तो अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, बेटी को आने दो, बेटी बड़ी हो गई तो शादी में दहेज के तू दिलवाएगा। वही बात मेरे दिमाग में बैठी। और जब मैं विधायक बना, सांसद बना, तो बटतरा में भी अपन ने शादी की बेटियों की, साहेगंज में भी शादी की, जैत में भी शादी की। और जैसे ही मुख्यमंत्री बना मैंने तय कर दिया मध्य प्रदेश की कोई बिटिया माता पिता पर बोझ नहीं बनेगी, मामा शादी करेगा, मैं शादी करूँ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बना दी, इसके पहले कोई ने कभी सोचा क्या? आज एक एक योजना के नाने नहीं आया। मेरी बहनों, मैंने जैत में भी बहनों को प्रताड़ित होते हुए देखा था। अगर पति के मन में कभी आ गया तो उठाया थप्पड़ या डंडा और अपनी पत्नी को मार दिया। और लोग ये कहते थे मारे थे पीटे, बाकी औरत है। ये मैं देखता था बेबस और मजबूर। और तब मैंने बनाया 50% रिजर्वेशन चुनाव लड़ने के लिए बहनों को अधिकार देने का कानून, कि आधी सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। एक ने कई चीजें सबने गिना रहा, लेकिन ये मुख्यमंत्री लाडली बहना मेरे उसी दर्द से निकली है कि गरीब बहन 1000 रुपया के लिए तरस जाती थी। अगर मायके भी जाना हो तो मन में डर लगता था कि भैया के बेटा बेटी आ गए, बुआ जी क्या लाई है तो दूंगी क्या। 1000, 500, 2000 के लिए परेशान रहती थी। और अपनी इसी बहनों की परेशानी मैंने दूर की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से। जैसे सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, मैंने तय किया हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालूंगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन बहनों की जिंदगी बदल गई। आज गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहती है कि मेरे खाते में पैसा आते हैं, 10 तारीख तक फिर पैसे आ जाएंगे। मैंने पूछा कई जगह बहनों से, बहनों परिवर्तन क्या आया? तो एक बहन बोली भैया आजकल तो घर में सास भी बड़े प्यार से बोलती है, प्रेम से बोलने लगी। एक ने कहा कि पतिदेव भी आजकल रोज पूछताछ करते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए। अभी परिवर्तन हुआ है, कई बहनों ने काम धंधा चालू कर दिया अलग अलग तरह छोटी सी राशि से। तो जितनी चीजें मैंने करी, आप बताओ बीमार हो जाते थे, आप कल्पना करते थे? आज अगर कोई बीमार होता है तो ये भरोसा रहता है कि शिवराज भैया है, चला जाऊंगा, इलाज हो जाएगा। एक जमाना था जब पैसे के लिए हाथ फैलाते थे इलाज के, उधार नहीं मिलते थे, ये आदत हो जाती थी। लेकिन इन सब तकलीफों को समझ के इंसान की जिंदगी की जितनी तकलीफें थी एक एक दूर करने की हमने कोशिश करी। आम आदमी की जिंदगी में कोई कष्ट ना रहे। परिवार चलाने का मतलब क्या है? परिवार का मतलब है परिवार के सुख और दुख की चिंता करना, और निःशुल्क राशन
कांग्रेस ने। अब तय किया है रहने के लिए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में कई को मिल गए, कई रह गए। गांव में जाओ तो माताएं बहने भैया टूटी टपरिया में डरे रे। अब हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, हर गरीब जिसकी कच्ची टपरिया है उसको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। अभी आवेदन कर पाए कौन करता था पहले बताते, कोई सोचता था क्या? बेटा बेटियों का इलाज हो, गरीब का इलाज हो, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्थाएं हो, उन सब बातों में मैं बहुत विस्तार से नहीं डाल रहा। अगर पांचवी पास करके छठ में दूसरे गांव जाना हो तो साइकिल, आठवीं पास करके नौवीं में दूसरे गांव जाना हो तो साइकिल के फिर 4,500 रुपया, अच्छे नंबर लाए बच्चे 75% तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, और नंबर एक पे हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गए तो एक बेटा एक बेटी को इस साल स्कूटी भी दिलवाई, अगली बार तीन तीन को दूंगा। पढ़ाई की प्रेरणा देने ताकि बच्चों में पढ़ने में प्रतिस्पर्धा हो कि अच्छा पढ़ो अच्छा पढ़ो। लोगों ने कहा कि ये क्यों स्कूटी क्यों देते हो? मैंने कहा जैसे माँ अपने बच्चों को पटाती है कि बेटा मान जा चॉकलेट दूंगी टॉफी दूंगी, तो मैं भी कहता हूँ बेटा बेटी पढ़ो स्कूटी दूंगा लैपटॉप दूंगा। ये ताले पड़े अपन इतने साल कांग्रेस का राज देखा, सड़कों के बारे में रमाकांत जी बता रहे बताने की जरूरत है क्या? आपने जो कहा विकास के लिए सड़कों का जाल, मेरी बहनों को पीने के पानी के लिए गांव में टंकियां, घरों में नल और टोटी वाला नल लगा के पानी देने का चमत्कार किया, तो तुम्हारे भाई शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खेतों में नहर थी लेकिन टैलेंट पर पानी नहीं जाता था, पीछे के किसानों की फसल सूख जाती थी। आपने कहा भैया नर्मदा जी का पानी लाओ, मैंने कहा पाइपलाइन बिछेगी मोटर लगेगी और नर्मदा मैया जी से कहूंगा कि पाइपों में भरा के चली चल मेरे भैया खेतों के चली चल, कोई खेत सूखा ना रहे। यहाँ से वहां तक की योजना स्वीकृत हो गई। बक्तरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, बक्तरा में कॉलेज के निर्माण हो, बक्तरा में तालाब का सौंदर्यीकरण हो, बक्तरा में सीमेंट कंप्लीट के रोड हो, मैं बक्तरा में उल्टे बक्तरा की बात कर रहा हूँ। आस पास अगर शानदार सड़कों से कोई सपना देखता था कि ये सड़कें बन सकती है, एक एक गांव को जोड़ा है, तो आपके आशीर्वाद से मैं मंत्री बना इसलिए जोड़ा है। जरा दिल पे हाथ रख के आज बताना मैं नाना चाहता हूं। मैंने तो लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश की, विकास के इतने काम कि बकरी में मैं पूरा दिन बता सकता हूं कहां कहां क्या क्या कर रहा है। ये इसलिए कि मैं हूं आपके बीच इसी धरती पे पैदा हुआ इसलिए मैं कर पाया। 7 साल आ गया था कांग्रेस का नाम, 7 साल एक कम कर लगा क्या कोई बता दे? पूरे इलाके में मेरे मैंने तय किया रेल से तीर्थ ले जाऊंगा, तीर्थ यात्रा बंद, लेकिन अब तय कर दिया केवल रेल से नहीं हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। कौन सोचता कौन ये चमत्कार कर सकता? ले जाऊंगा तीर्थ यात्रा बंद, लेकिन अब तय कर
दिल्ली में पहले। अगर हिंदुस्तान में मामा जो दिल से बच्चों ने कहा और अब तो बूढ़े भी मामा ही कहने लगे वो हुआ है तो अपने हाथ। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि आज बहुत लंबा जाना है, कई चीजें आज याद आ रही है। लेकिन आज मैं फिर इतना आपको कहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, अगर सच्चे मन से मैंने आपकी सेवा की है तो मुझे आपका एक तरफा आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने आपका मान और सम्मान बढ़ाया है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने बहनों का जीवन बदला है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने बेटियों की पूजा शुरू करके उनके भविष्य को बेहतर बनाया है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर खेतों में पानी पहुंचाया है, गांव में सड़कें बनाई है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और अगर दुख और दर्द में मैं काम आया हूं तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं दिन और रात पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूं। कोई भी कहते तो आप सब शिवराज बनके इस चुनाव को लड़ो। और भैया गांव के छोटे मोटे झगड़ों में मत पड़ना है, नहीं तो सरपंच जी का और क्योंकि अपना परिवार अपना घर है, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। हर लेकिन कोई घर ना बचे, कोई वोट ना बचे, कोई साथी ना बचे जिससे अपन संपर्क ना करें। और देखो कांग्रेस का उम्मीदवार तो 5 साल में 15 दिन के लिए आता है, 15 दिन नहीं आता है, 16 दिन तो नहीं निकट पड़ता। बाद में तो भैया ही है सबके लिए। कीजिए कि भैया तुम जाओ निर्वे